हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि इंडियन मार्केट में बाइकों का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब भाई उन बाइकों को ऑब्वियसली बात है कि कैश में खरीदना फिलहाल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों हम डाउन पेमेंट फाइनेंस वाला ऑप्शन लेकर आता हूँ। हमेशा आपको इसके डिटेल्स देता रहता हूँ और बहुत सारी फाइनेंसर कंपनी अब तो आ गई जो आपको इजीली बाइक फाइनेंस करके दे सकती है। आज के सुनो में बात करने वाले दोस्तों ड्यूक 250 के बारे में कि ड्यूक 250 को आप डाउन पेमेंट फाइनेंस के साथ में अगर खरीद रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कितनी आपकी ईएमआई बनेगी। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि बाइक फाइनेंस कराने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। ऑब्वियसली बात है ये हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट लगता है। दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। जी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आप लोगों को पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। जी दोस्तों, पैन कार्ड लगेगा। पैन कार्ड के बाद आपको 6 महीने की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपकी सैलरी रहती है। हालांकि आजकल 3 महीने के में भी हो जाता है, मतलब 3 महीने का आप स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। उसके बाद कुछ फोटोज और कुछ साइन के बाद आपकी जो बाइक आपको फाइनेंस करके दे दी जाती है। अब आते हैं प्राइस में। ड्यूक 250 एक्सरूम प्राइस अराउंड 2,39,000, 2,39,000 रुपए के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ इंश्योरेंस चार्जेस में फर्क होता है। यह बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,76,000, 2,76,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बाकी आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों हम आज के इस वीडियो में जो डीपी लिए हैं वो लिए 66,000। जी हाँ, 66,000 रुपये हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब हमारा बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया, ये बचा आप लोगों का लगभग 2,10,000 रुपये। इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। ऑब्वियसली बात है यार, प्रोसेसिंग फीस लगता है जिसमें काफ़ी सारे हिडन चार्जेस होते हैं। प्रोसेसिंग फीस के बाद आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 जोड़ने के बाद 2,20,000 रुपये। अब हमें निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जब भी हम बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो बाइक फाइनेंस कराने के साथ साथ में हमें क्या करना है कि भाई फाइनेंसर जो कंपनी वो हमसे ब्याज लेती है जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। और ऑब्वियसली बात है यार, उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा तभी तो वो काम करेंगे ना, बिना फायदे के तो काम करेंगे नहीं, उसे ही हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इंटरेस्ट जो है आप लोगों का इंटरेस्ट रेट जो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, आपके सैलरी स्लिप पे। आज के इस वीडियो में मैंने जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है दोस्तों 10%। 10% के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 22,000 रुपये। अब मान लीजिए दोस्तों आप एक मतलब बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो तो 2,20,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें 22,000 रुपये प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,42,000, 2,42,000 रुपये। अब आप उसे 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली ईएमआई के लगभग 20,166 रुपए के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 22,000 रुपए जो आपके एक साल का इंटरेस्ट है, 22,000 × 2 कर दीजिए तो 44,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 2,20,000 में 44,000 रुपए यानी कि 2 साल के इंटरेस्ट को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,64,000 रुपए। अब 2,64,000 को आप डिवाइड कर दीजिए अपना 24 से क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2 साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली ईएमआई की लगभग 11,000 रुपए के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 22,000 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट है, 22,000 रुपये एक साल का इंटरेस्ट है, 22,000 × 3 कर दीजिए 66,000, 66,000 रुपये 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। 2,20,000 रुपये में प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट आएगा 2,86,000 रुपये। 2,86,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली ईएमआई लगभग 7,944 रुपये के आसपास की जो कि आपको पे करनी पड़ेगी, कब तक, 3 सालों तक। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 250 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।